मध्य प्रदेश के खरगोन के भीकन गांव में पुलिस ने अपने ही विभाग के एक हेड कांस्टेबल को पिस्टल और 6 राउंड कारतूस की तस्करी करते हुए काबू किया है। हेड कांस्टेबल हरदा की डीआरपी लाइन में पदस्थ हैं। बता दें कि भीकन गांव पुलिस को मोटरसाइकिल से पिस्टल तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी हेड कांस्टेबल को काबू किया है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का एक प्रधान आरक्षक ने हथियार तस्करी के लिए फायदा उठाया है। भीकन गांव के एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने खुलासा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी बम नाला ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि कोई व्यक्ति पिस्टल लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर भीकन गांव पुलिस को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से सिगनूर की ओर से आते दिखा, रोकने पर आरोपी भागने लगा। इस पर डायल 100 और भीकन गांव बमनाला पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद आरोपी को काबू कर लिया गया। जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो कपड़े के बैग में 5 पिस्टल, 3 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रोहित नारायण सिंह बताया। उसने यह भी बताया कि वह जिले हरदा डीआरपी लाइन में पदस्थ है। खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये पूरा विषय क्या रहा? लॉकडाउन की चेकिंग ड्यूटी के दौरान भीकन गांव थाना अंतर्गत जो बमनाला चौकी है, वहां पर ये सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो घूम रहा है और उसको किसी व्यक्ति से हथियारों की डिलीवरी के लिए वो प्रयास कर रहा है। सूचना पर जब पुलिस जो मोबाइल थी हमारी 100 डायल थी, उनके द्वारा जो है तलाश की गई, तो बमनाला से सिगनूर के रास्ते पे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो है आता हुआ दिखा। जब उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से उसको जो है पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 देशी फायर आर्म्स बरामद किए गए और इसके साथ ही उसके बैग में 6 कॉटेज भी मिले, जिसकी जब्ती की गई। जब्ती करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो हरदा जिले में जो है वो पुलिसकर्मी के रूप में पदस्थ है और बाद उसने जिस व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदना बताया है उसकी तलाश की गई, जो मौके से भाग चुका था उसकी तलाश की जा रही है। एफआईआर की जाकर अभी प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। सर, हरदा पुलिस की डीआरपी लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर यह व्यक्ति पदस्थ है, शासकीय अमला इसको किस रूप में देखेगा? ये वहां पर जो इसका ड्यूटी रेस्ट होता है उसके दौरान जो गैप होता है, गैप का फायदा उठाकर वो यहाँ तक आना पाया गया है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.